जीवन में जब भी पुण्य करने का मौका मिले छोड़ना नहीं चाहिए। आज से पितृपक्ष चालू हो गया। आज से क्या चालू हो गए? पितृपक्ष। आज से आपको क्या करना चाहिए? अपने पूर्वजों की तिथि पर, जिस तिथि को आपके पिताजी, आपके दादाजी का भगवत धाम गमन हुआ है, जिस तिथि में उनका अंतिम संस्कार हुआ है, वह तिथि नोट कर लीजिए। उस तिथि पर उन्हें श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से दिया हुआ दान। उन्हें जल दान करना चाहिए, उनके नाम से भोजन निकालना चाहिए, उन्हें भोग, भगवान जी को भोग लगा के उनका एक अलग थाली पर भोजन लगा कर, और उस भोजन को फिर गाय को या कुत्ते को या कौए को खिलाना चाहिए। जो हम पितरों के लिए भोजन निकालते हैं ना, आप उनको भोग लगा दें। और हम जो भी आज से अपने पूर्वजों के लिए अन्न निकालिएगा, घर में खीर पूरी जो भी आप मिष्ठान बनाए, निकाल कर पितरों को भोग लगाइए और पितरों के नाम से जल जरूर छोड़िएगा, जल दीजिएगा। यहां से जल छोड़ा जाता है, पता है पितरों को जल कहां से दिया जाता है? हाथ में जल लेकर यहां से यूं यूं जल भर के, और यहां से गिरना चाहिए पानी यूं यूं। पितरों को जो तिलक लगाते हैं, इस उंगली से लगाते हैं, फर्स्ट तर्जनी, ठीक है, इस उंगली से तिलक लगाते हैं अपने पूर्वजों को। जल यहां से ऐसे तर्पण में हाथ में जल डाल के यूं। आप आश्चर्य मानेंगे, हमारे देश के लोग, कुछ लोग बुद्धिजीवी जो वेद पुराणों को नहीं मानते, वो कहते हैं तर्पण अर्पण कुछ नहीं होता। आप आश्चर्य मानेंगे, विदेश की एक महिला ने श्राद्ध में पीएचडी की है, गया जी में आकर के उन्होंने पूरा विधिवत सब समझा, सब देखा, सब जाना, और इसके बाद उन्होंने श्राद्ध पर पीएचडी की। ये कितनी बड़ी साइंटिफिक कारण है। ये कहा जाता है कि साल में ये जो 15-16, देखो ये मैं कटिंग लेकर आया हूं आपके लिए, अखबार की पढ़ लीजिए, श्राद्ध पद्धति पर जापानी ने की पीएचडी, ये देखिए 18/6/2019 का अखबार है, ये देख लीजिए। हाँ, मिशिका नाम की एक विदेशी महिला है, जापान की है, वो भारत आई, उन्होंने यहाँ के विधि विधान को देखा और उसने श्राद्ध पक्ष पर उन्होंने पीएचडी की, श्राद्ध पद्धति पर जापानी ने की पीएचडी। ये देखिए अखबार की कटिंग में आपके लिए लाया हूँ। जो लोग उंगली उठाते हैं अपने सनातन पर, उन्हें मैं बता दूं कि सारी दुनिया मान रही है सनातन को, और आप अपने धर्म पर उंगलियां उठा रहे हैं। तो हमारी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ साइंटिफिक है, हमारी सारी पद्धति सारी चीजें, कोई मनगढ़ंत नहीं है। इसलिए आप लोग अपने, अच्छा जैसे आपके पिताजी को भगवान के घर गए 3 साल हो गए, तो 3 साल बाद आप उनका तर्पण करें, श्राद्ध करें, गया जी करें। अब आप कई लोग सोचते हैं कि अभी तो माँ जिंदा है, अरे पिता तो 3 साल हो गए ना, तो पिताजी का कर दो, जब माँ जाएगी तो माँ का 3 साल बाद करना। कई लोग इतने आलसी होते हैं, दोनों का एक साथ करे आएंगे, दोनों का एक साथ भी करे आए वो भी अच्छा है, पर आपके पिताजी चले गए हैं तो 3 साल हो गए उनको, 3 साल के पहले नहीं होता,
पर 3 साल के बाद तो फिर आप 4 साल में भी, 6 साल में भी, 10 साल में भी कर दें, कोई आपत्ति नहीं है। पर 3 साल हो गए हैं तो कर लेना चाहिए, भले माँ जीवित है तो अच्छा है, माँ जीती रहे। जब माँ जाएगी, जो माँ का बाद में 3 साल बाद होगा, तो हमें पूर्वजों के लिए इस श्राद्ध पक्ष में हम पहली रोटी गाय को भोजन कराएं, जो पितरों को भोजन निकालते हैं उसके भोग लगाने के बाद वो भोजन गाय को खवाएं, गाय की रोटी अलग निकालें, चींटियों को दाना अलग डालें पितरों के नाम से, और कुत्ते को रोटी खवाएं, है ना। घर में जब पितरों की तिथि आए तो ब्राह्मणों को बुलाकर ब्राह्मणों को भोजन प्रसादी खवाइए, और ये सबको करना चाहिए। बाप, यदि आपका पिता जिंदा है तो बेटे को नहीं करना है, बाप ही करेगा। घर में पिता है तो पिता ही करेगा, जब तक बाप जिंदा है तो श्राद्ध इत्यादि का कर्म बाप ही करता है, पिता ही करता है। और एक बात और सुनो, जैसे लोग कहते हैं ना कि हमारे बड़े भैया पिंडदान करे आए हैं, श्राद्ध पक्ष वो कर रहे हैं। सुनो, यदि आप 3 भाई हैं, उदाहरण समझिएगा, यदि आप 3 भाई हैं और तीनों अलग अलग रहते हैं, बंटवारा हो चुका है, तो तीनों को करना चाहिए। यदि आप संयुक्त रहते हैं एक साथ तो बड़ा कर सकता है। अब जैसे तुम्हारा पिता नहीं है और तुम 3 भाई हो, बड़ा अलग रहता, छोटा अलग और छोटा अलग, तो फिर सब तीनों लोग करो। गया जी में भले एक जन चला जाए चलता है, पर घर में जो पितृपक्ष के जो भोजन निकालना, उनके नाम से दीपक जलाना, उनके लिए तर्पण करना, जल देना, ये तीनों कर सकते हैं। बड़ा करे, मझला करे, छोटा करे। अब न्यार अलग अलग हो गए हो ना, तो अब सबका अलग अलग है भाई, तुम्हारा किया तुम्हें मिलेगा, उसका किया पुण्य। पितरों को पितृदान तर्पण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, और हमारे जल से, हमारे इस प्रसाद से उन्हें तृप्ति मिलती है। अब आप साइंटिफिक पूछ लें, महाराज जी यहाँ हमने उनको पिंडदान किया, वहाँ उनको कैसे मिल जाएगा? अरे भाई, आज का तो लॉजिक देना पड़ेगा ना, साइंस का युग है। तो उदाहरण समझो, आप किसी के खाते में पैसा भेजते हैं, आपका कोई व्यक्ति विदेश में रहता है, माना कि अमेरिका में, अब उसके खाते में आपको पैसे भेजना है, कैसे जाएगा? आप उसके खाते में डाल दो यहाँ पर, वहां पर पहुंच जाएगा, हाँ या ना? बोलो हाँ। यहाँ से भेजा हुआ पैसा उसके खाते में मिल गया ना। और सुनो, वो पैसा नहीं मिलेगा जो आपने भेजा है, यहाँ से यदि आपने रुपया भेजा है पैसा, तो वहां उसे डॉलर ही मिलेगा, अमेरिका में है तो वहां उसे रुपया ना मिलेगा। क्यों जी? वहां उसे वही नोट नहीं मिलेगा जो नोट आपने डाले हैं कि यही नोट जस का तस चला जाए, वहां उसे वो मिलेगा जो वहां उसे आवश्यकता है, अर्थात वहां की जो करेंसी है, वहां का डॉलर है, पौंड है, इत्यादि जो हर देश का अलग अलग सिस्टम होता है, वो मिलेगा। उसी तरह आपने यहाँ पिंडदान किया कि आपके पूर्वजों के नाम से, तो आपके पूर्वज अभी वर्तमान में जिस समय जिस योनि जहाँ हैं, उन्हें जिस चीज की जरूरत है उस रूप में वो पिंडदान उन्हें प्राप्त हो जाएगा। आपका किया हुआ यहाँ उन्हें उस रूप में मिलेगा, अभी उनको जिस रूप में जहाँ उनकी आवश्यकता है, ठीक है, मिलता है। इसलिए अपने पूर्वजों के लिए भागवत जी सबसे उत्तम साधन है। आप कुछ ना कर पाए, कुछ ना करा पाए, तो केवल भागवत जी की पोथी करा लीजिए। भागवत जी में 1 स्कंद का आखिरी अध्याय, 6 स्कंद का अंतिम अध्याय है, यदि उसका पाठ करके कोई अपने पितरों को जल देता है, पिंड दान करता है, तो उससे ही उनकी सदगति हो जाती है। भागवत जी की महिमा है, इसलिए जब भागवत जी का संपूर्ण पाठ कराते हैं तो सब कुछ हो जाता है। इसलिए भागवत जी की पोथी अपने पूर्वजों के लिए आप लोग करा सकते हैं। अभी 13 तारीख से यहाँ पोथी पाठ बैठेंगी, आप लोग भी अपने पूर्वजों के लिए आप कर सकते हैं, करा सकते हैं। जो आप अपने पूर्वजों के लिए ये 15 दिन 16 दिन अपने पूर्वजों को दीजिएगा। अब 16 दिन में एक दिन वो जो आपकी तिथि आएगी एक ही दिन रहा, तो वो जरूर कीजिएगा, ये अपना कर्म है, करिएगा। साइंस की किताबें 4 पढ़ के अपनी संस्कृति ना छोड़ दीजिएगा। नहीं जी, हम नहीं मानते ये सब, नहीं मानने का कोई सवाल ही नहीं है। तुम्हारे बाप दादा ये सब मानते थे, शास्त्र कहते हैं, मैंने बता ही दिया, विदेशी महिला ने PhD कर लिया इसमें, अखबार की कटिंग भी बता दी प्रूफ के साथ।
अब शास्त्र जो कहते हैं वो हमें मानना चाहिए। कई लोग शास्त्रों की बातें नहीं मानते, इससे बड़ा नुकसान होता है। आपके पूर्वज अभी देखो पता नहीं चल रहा है, लेकिन पता तो चलेगा कि हमने जो किया है नहीं किया है। इसलिए आप एक अच्छे पुत्र होने के नाते, आप एक संस्कारी पुत्र होने के नाते अपने पूर्वजों का ऋण, और कुछ ना कर पाओ तो एक रोटी तो गाय को खवा ही सकते हो ना अपने पूर्वजों के लिए, इससे क्या नुकसान हो रहा है? इसमें कौन सी तुम्हारी साइंस बाधा डाल रही है? इसमें कौन से तुम गरीब हो रहे हो? चलो कुछ भी मत करो तो एक रोटी गाय को तो खवाओ अपने पूर्वजों के नाम से। चारा डालो गाय को इस समय, कुत्ते को रोटी खिलाओ। जो कर्म है करो, ना करने का तो कोई बात ही नहीं है कि अनी जी हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? माँ बाप करण कैसे उतरेगा फिर? हर पुत्र पर माँ बाप का ऋण होता है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। देवताओं को भी तर्पण होता है पता है, ऋषियों का भी तर्पण होता है, ऋषियों को भी। हमारे पूर्वज ही तो देवता। भाई आप कहते ही हैं हमारे पूर्वज स्वर्गीय, तो स्वर्ग में गए तो स्वर्ग में देवता बन गए, तो उन देवताओं का भी तर्पण होता है, उनका भी श्राद्ध होता है, उनके लिए भी आप अपने पूर्वजों के लिए तो करें ही। ये तो सब फिर बाद का विषय है। तो आप लोग जो भागवत जी की पोथी श्राद्ध पक्ष में करा रहे हैं, निश्चित आप बड़भागी हैं, अच्छे पुत्र हैं कि अपने पूर्वजों के लिए कम से कम इतना आपने सोचा तो सही कि उनकी सदगति हो।